सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भीमसेन है सर। भीमसेन जी, ये बच्चा कितने साल का है? ये सर 17 साल में लगा हुआ है। 17 साल में लगा हुआ है। अच्छा, तो इसको क्या दिक्कत थी? मतलब क्या ये बाई बर्थ ऐसा है या उसके बाद कुछ इसे दिक्कत हुई? ये सर इसको 9 महीने के बाद दिक्कत हुई। नौ महीने के बाद क्या हुआ इसको? 9 महीने बाद इसको डायरिया हुआ था सर। अच्छा, 9 महीने बाद इसको डायरिया हुआ, तो डायरिया का रिएक्शन उसको हुआ, फिर क्या हुआ इसके साथ? डायरिया के साथ हमने इसको फिर एक दिन तो लोकल इलाज करा था यहाँ से हमने। जी जी जी। उसके बाद फिर उसको ले गए थे 11 हॉस्पिटल में। जी, 11 हॉस्पिटल लगभग 2 दिन रेगुलर, तीसरे दिन वहाँ से हमने इसको डिस्चार्ज करवा दिया। जी जी जी। क्योंकि ये बच्चा क्या नाम प्रोग्रेस नहीं करता था। जी। और हमने उनका कोई रिस्पॉन्स भी ठीक नहीं था हमारे। जी। फिर हम उसको डॉक्टर वैश के ले गए थे। जी। डॉक्टर वैश के पास गए तो ये समय ये बच्चा कोमा में था। अच्छा, ये बच्चा कोमा में था। हाँ जी जी। और कोमा में रहा तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बात है 31 मार्च की बात है ये। जी। और ये वहाँ पर कोमा में लगभग 13 अप्रैल तक रहा ये। जी, ये 13 अप्रैल तक कोमा में रहा। जी, 13 अप्रैल बस कोमा खत्म हो गया। जी। डॉक्टर वैश बोले कि अब ये कहीं जाएगा नहीं, बाकी ठीक हो जाएगा, मतलब इसकी कंडीशन जो है ना, इसका माइंड डैमेज हो चुका है इसका। अच्छा, तो ये 24 साल वहाँ रहा है, 24 साल डॉक्टर वैश के यहाँ रहा है, उनके यहाँ से ट्रीटमेंट चलता रहा और फिर लास्ट में हमने इसको सनर्जी हॉस्पिटल में दिखाया इसको। जी। सनर्जी हॉस्पिटल में डॉक्टर कृष्ण अवतार जी हैं। जी। उनसे बातचीत, उन्होंने इसकी दवाई लिखी थी हमारे को, वेलप्रोल, जी, टोपाज, जी, लोबाजेम, जी, और टेग्रिकल सिरप। जी। ये 4 दवाई लिखी थी, वो 4 दवाई हम रेगुलर दे रहे उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया आपको उनसे ट्रीटमेंट लेते हुए? उनके से ट्रीटमेंट हमने शुरू करा था, अंदाज से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीन चार साल हो गए। 4 साल आपको हो गए हैं उनसे ट्रीटमेंट? एम्स में भी लेकर गए थे। एम्स में भी लेके गए हैं। चलिए, 4 विजिट करी थी। तो 4 साल से आप लगातार जो है डॉक्टर कृष्ण अवतार जो सिनर्जी में बैठते हैं उनका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा, बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट उसके बाद आया या उसकी स्थिति वैसी की वैसी रही? बच्चे में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। कोई खास इम्प्रूवमेंट? दौरे कम हो गए थोड़े से, आगे से दौरे कम हुए हैं, बाकी नहीं तो 4 साल से बच्चे के साथ वैसे का वैसा ही है। वैसा ही है, दौरे कम हुए इसके बाद। चलिए, दौड़ों की दवाई है ना सारी दवाई। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, अब इसके बाद आपने हमसे प्रोडक्ट लिया, हमारे प्रोडक्ट स्टार्ट करे हैं जिसमें हमने आपको 4 प्रोडक्ट दिए हैं, एक इम्यूनोडॉक दिया है, एक थंडर ब्लास्ट दिया है, ब्रेन डॉक दिया है और क्रिजी डॉक दिया है। लगभग 1 महीना पूरा होने को जा रहा है आपको आज, है ना सर? अच्छा, क्या आपको कुछ आशाएं, कुछ डिफरेंस में दिखा क्या इसमें? मेरे अनुसार इसमें कुछ आशा लगी इसे हुई है क्या? कुछ आशा लगी, तो कुछ बता सकते हैं कि ऐसी कैसी आशा आपको लग गई? मतलब ऐसे इसके मतलब सोने में, उठने बैठने में और मुस्कुराने में थोड़ा सा डिफरेंस लगा। अरे वाह सर, बहुत बहुत बधाइयां आपको इस चीज के लिए। और सर, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप उस ऊपर वाले पे, उस माता रानी पे विश्वास रखिए, बहुत जल्दी उस ऊपर वाले ने चाहा, उस माता रानी ने चाहा, हमारे इन AWPL के अमेजिंग रिजल्ट से आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आएगा, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू SLEPS, थैंक यू संजीव सर एंड थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।